ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है द पेरीमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 एंड 96 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। आपको दो स्क्वायर्स का पेरीमीटर दिया गया है 40 एंड 96 मीटर्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर। आपको अनदर स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू स्क्वायर्स। अब क्या बोल रहे हैं, जो अनदर स्क्वायर है उसका एरिया फर्स्ट दो स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल है। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट दो स्क्वायर्स की साइड्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है सर, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर। देखो मैंने क्या कंसिडर किया है, जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड को x मीटर लिया है और जो सेकेंड स्क्वायर है उसकी साइड को मैंने y मीटर लिया है। अब आपको क्वेश्चन में इन दो स्क्वायर्स का पेरीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर लेता हूं। नाउ पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 40 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, x है। तो मैं लिखूंगा 4x इज इक्वल टू 40। 4 से 40 कट गया 10 टाइम, तो x के इक्वल आ गया 10 मीटर। यानी कि ये आपकी फर्स्ट स्क्वायर की साइड आ गई। ओके, अब मैं सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर लेता हूं। नाउ पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 96 मीटर। और स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, साइड को हमने y लिया है, तो 4y इज इक्वल टू 96। 4 से कट जाएगा 24 टाइम, तो y इज इक्वल टू आ गया 24 मीटर। ये मेरे पास सेकंड स्क्वायर की साइड आ गई। अब आपको क्या करना है, जो अनदर स्क्वायर है उसकी साइड को कंसिडर करना है। सो let the side of another square is equal to z मीटर। मैंने जो अनदर स्क्वायर है उसकी साइड को z मीटर लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में बोला है। अब अनदर स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। अनदर स्क्वायर की साइड को हमने z लिया है, तो ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या है, 10, तो 10 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर की साइड क्या है, 24, तो प्लस में लिख देंगे 24 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए। z स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576। अब इन दोनों को एड कर दो, z स्क्वायर इज इक्वल टू 676। अब दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट कर दो, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 676। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, 26 मीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, अनदर स्क्वायर की साइड आ गई। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, अनदर स्क्वायर का पेरीमीटर। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू साइड, साइड को हमने z लिया है और z कितना निकाला है 26। तो 4 into 26, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24 का 4 2 कैरी 4 2 जा 8 और 2 104 मीटर। ये आपके पास अनदर स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।